मंजिल तो मिल ही जाएगी भटककर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटककर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मैं हूं सैयद जावेद नईम। दोस्तों, जब मेरे और आपके कदम बढ़ेंगे एक साथ तवाफे जहां के लिए, तो मुझे यकीन है कि आपके जहन में हिंदुस्तान की तस्वीर का जो नक्श है वो पूरी तरह बदल जाएगा। एक सिक्के की तरह दिल्ली के भी दो पहलू हैं, नया और पुराना। नई दिल्ली को एक नए ढंग से पेश करेंगे आपके सामने हम अपनी इस किस्त में। नई इमारतें, नए सफर करने के तरीके और लुत्फ अंदोज होंगे एक थीम पार्क। बताइए मैं कहाँ हूँ? अरे बताइए बताइए, सही पहचाना। यह है दिल्ली का इंडिया गेट, लेकिन मेरी दौड़ यहीं पर ख़त्म नहीं होगी। मैं दिल्ली की कुछ और सड़कें नापने वाला हूँ आपके साथ। हिंदुस्तान की कौमी इमारत इंडिया गेट को सर एडविन ल्यूटेंस ने डिज़ाइन किया था। इंडिया गेट की तामीर उन 70,000 हिंदुस्तानी सैनिकों की याद में की गई थी जो पहली जंगे अजीम में ब्रिटिश आर्मी का साथ देते हुए शहीद हुए थे। 42 मीटर ऊंचा ये इंडिया गेट दिल्ली के राजपथ पर वाकई है। इंडिया गेट के नीचे बना अमर जवान ज्योति 24 घंटे जलने वाली अपनी मशाल की वजह से खास है, जिसे इस इमारत के साथ आज़ादी के बाद जोड़ा गया था। रायसीना पहाड़ी पर लाल बलुआ पत्थर से बनी ये गुंबदनुमा इमारत प्रेसिडेंट हाउस है, जो हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया की रिहाइश गाह है। इमारत के बाहर नॉर्थ और साउथ दो ब्लॉक हैं, जिनमें बहुत से सरकारी दफातर मौजूद हैं। जब प्रेसिडेंट हाउस बना तो आसपास के इलाकों को भी वजूद में लाया गया। लूटियंस ने मरकजी दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था। ये पूरी मरकजी दिल्ली आज हमारे लिए एक हेरिटेज साइट है, जिसकी बहुत सी इमारतें और मुजस्समात ऐसे हैं जो हमें अपनी आजादी की जंग की याद दिलाते हैं, जिसका एक नमूना नई दिल्ली पर वाकई 11 मुजस्समा है। तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे, बोल क्या चीज है। मेरी नजर से देखिए तो ये 11 मुजस्समा के मुजस्समा साज देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने बेजान बुतों के जरिए हमेशा के लिए हमारे जहन में डांडी मार्च की याद को नक्श कर दिया है। इस मुजस्समा की दिलचस्प बात ये है कि गांधी जी के साथ इसमें हर मजहब के आम लोगों को दिखाया गया है, हमारे आपके जैसे लोग। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब। मैं डांडी मार्च के वक्त तो मौजूद नहीं था, पर यहाँ आकर उस लम्हे का एक हिस्सा जरूर बन गया हूँ। नॉट प्लेस ल्यूटेंस की दिल्ली का मरकजी इलाका था, जो आज भी कायम है। दिल्ली का दिल कहा जाने वाला नॉट प्लेस हिंदुस्तानी तरक्की और ब्रिटिश आर्किटेक्चर की एक ऐसी तस्वीर है जिसमें तारीख और तहजीब से जद्दोजहद करती हुई दिल्ली देखी जा सकती है। क्या आपको यकीन होगा ये सुनकर कि कनॉट प्लेस अपनी मौजूदा शक्ल में आने से पहले एक जंगल हुआ करता था, जहां पर लोग शिकार करने आते थे। तो फिर जंगल कनॉट प्लेस कैसे बन गया? मुझे लगता है अंग्रेज जब खरीदारी करते होंगे पुरानी दिल्ली में, तो तंग गलियों में उन्हें सांस नहीं आती होगी,
और उन्होंने अपने लोगों से कहा होगा, अरे हटाओ यार ये जंगल वंगल, कुछ बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाओ, एक शॉपिंग वाली दुकानें बनाओ जहाँ पर खूब सारी खरीदारी कर सकें। मुझे तो यही लगता है, आपको क्या लगता है? ट्रॉट प्लेस के वजूद में लाने का काम ल्यूटेंस और बेकर ने 1929 में शुरू करवाया था, जिसे पूरा करने में 4 साल का वक्त लगा था। जदीद हिंदुस्तान की रफ्तार और क्नॉट प्लेस की रफ्तार के बीच दिल्ली की बरसों पुरानी विरासत का एक नमूना ऐसा भी है जो अपने वजूद की लड़ाई में दफन होकर रह गया है। मैं जा रहा हूं अग्रसेन की बावली, जो कनॉट प्लेस के काफी नजदीक है और जिसको बनवाने का मकसद था कि पानी की तंगी के दौरान ये आवाम को पानी मुहैया करवा सके, लेकिन आज ये अपनी पहचान बरकरार रखने के लिए काफी जद्दोजहद कर रही है। जंतर मंतर से कुछ कदमों की दूरी पर और 8 क्नॉट प्लेस के पास हेले रोड पर मौजूद इस बावली की तामीर महाराजा अग्रसेन ने करवाई थी। कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन का वक्त महाभारत के दौर का है। बारिश की हुकूमत संभालने वाले इंद्रदेव ने माधवी की शादी महाराज अग्रसेन से हो जाने पर बारिश बंद कर दी थी। इंद्रदेव माधवी से शादी करना चाहते थे, लेकिन स्वयंवर में माधवी ने अग्रसेन को चुना। नतीजतन इंद्र भगवान ने बारिश रोक दी। अवाम की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए अग्रसेन की बावली की तामीर हुई। नई दिल्ली की सबसे मशहूर और दिलचस्प इमारत लोटस टेंपल का डिजाइन फरीबर्ज साहबा ने तैयार किया था। बहाई मजहब की इबादतगाह लोटस टेंपल को अधखिले कमल वाली बनावट की वजह से दुनिया की सबसे ज्यादा सियाहत वाली इमारत का दर्जा हासिल है। इस दारुल सल्तनत की ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको सुकून का एहसास होगा। अच्छे बड़े बगीचे, खूबसूरत छोटे छोटे पौधे और रूहानी वजूद के लिए एक बड़ा सा हॉल, ये है बहाई मंदिर। लेकिन कभी आप अगर ऑटो से या टैक्सी से आए तो उससे ये कहिएगा कि क्या भैया लोटस टेंपल ले चलोगे क्या? सत्ताईस बड़ी बड़ी संगमरमर की पंखुड़ियों वाले कमल मंदिर को पूरी तरह तैयार होने में 10 साल लगे थे। मंदिर के अंदर 9 ताल बने हुए हैं जहां पहुंचकर पानी की ठंडक से रूहानी सुकून पाया जा सकता है। कमल मंदिर के अंदर मनाजात करने के खास इंतजामात हैं, जिसमें हर मजहब का इंसान बहाई मत की मनाजात में शामिल हो सकता है। सरोजनी नगर मार्केट जनूब दिल्ली का एक अहम बाजार है।
अब मैं आपको एक ऐसे बाजार में लेके जाने वाला हूँ जिसके जैसा बाजार पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त सरोजनी नगर बाजार में, जिसे लोग एसएन मार्केट भी कहते हैं। और यकीन जानिए कि मैं इतनी सारी जगह घूमा हूं, मैंने इतनी सारी खरीदारी करी है, लेकिन इससे बढ़िया और इससे सस्ता बाजार मुझे पूरे हिंदुस्तान में नहीं दिखा। ये जो बाजार है, यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो यहाँ के हिंदुस्तान के कारखानों में बनती हैं और बाहर जाती हैं, और उसमें हल्का छोटा मोटा डिफेक्ट हो जाता है, थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, तो वो इन बाजारों में आ जाती है। मतलब अगर आप कोई चीज़ ब्रांडेड खरीदना चाहें, बड़े शोरूम से 5,000 की होगी वो, तो यहाँ पर आपको 800-900-1,000 तक की मिल जाएगी। मैं कुछ खरीदारी करने वाला हूँ, तो आइए मेरे साथ। चलो ब्रांडेड टी शर्टों का सेल ओनली 200 में निकालो इधर। मैं भी इनकी तरह कोशिश करता हूँ आज देने की, देखता हूँ कितने लोग आते हैं यहाँ पर। 200 एक भी नहीं आया। नीले को टी शर्ट होगी? हाँ जी सर। किस तरह की टी शर्ट है यहाँ पर? हर तरह के, राउंड में। अच्छा मुझे दिखाइए। नाम रिलीवो, और ये बता रहे हैं कि कॉलेज में जब थे तब भी यहाँ पर शॉपिंग करा करते थे, अपने नौकरी शुरू कर दी तब भी ये यहाँ पर आते हैं मेरी तरीके से, और यहाँ पर ये टी शर्ट खरीदते हैं और इन्हें काफ़ी मज़ा आता है। जैसा आप देख सकते हैं, ये मुस्कुरा भी रहे हैं इस बात से कि कॉलेज में भी आते थे और अब भी यहाँ पर आ रहे हैं। इस पर लिखा हुआ है 35 रुपए की हैं ये की चेन्स। यहाँ पर आपको डराने के लिए भूत वाले की चेन भी मिल जाएगा, और ये बच्चों की गुड़िया जैसी भी एक चीज़ की चेन है जो आपको मिल जाएगा। ये जो मैं आपको की चेन दिखा रहा था, हाँ। भूत वाला, डराने वाला, इसकी एक और खासियत है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मतलब ये काफ़ी लोगों को डरा सकता है और ये वाकई में भूत जैसा है। सरोजनी नगर कब से आते हैं और आप यहाँ क्या खरीदते हैं? हमेशा ही आते हैं जब बोर होते हैं। वेदर इज नाइस, गुड कम टू सरोजनी। वी शॉप फ्रॉम ग्लासेस टू ड्रेसेस, एनीथिंग। इट्स चीप, इट्स अफोर्डेबल, यू कैन वेयर इट ट्वाइस थ्राइस एंड देन यू वोंट फील सैड इवन इफ इट्स रुइंड। तो ये कह रही है कि जब इन्हें थोड़ा खुश होना होता है, जब ये सैड फील कर रही होती है, थोड़ा सा इन्हें घर का मजा नहीं आता, सरोजनी आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर पैसे भी नहीं खर्च करने, ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते और बहुत सारा सामान खरीदते हैं यहाँ पर आके। आप लोग कहाँ से? दिल्ली से हैं या दिल्ली के बाहर से? हम लोग यूपी से हैं। यूपी में किस जगह? सुल्तानपुर जिला। सुल्तानपुर जिले से आप यहाँ दिल्ली में आते हैं जो कपड़ों का काम कर रहे हैं, तो आपको किसी ने बताया था या आप अपने आप सुन के आए थे? ऐसा है ना, हमारे यहाँ के लोग यहाँ जब रहते हैं, वहाँ एक गए दो चार को लाए, हम गए अपने साले को लाए, साला गया अपने साले को लाया, ऐसे ऐसे होके रिश्ते। इस तरह कई सारे साले यहाँ पर आ चुके हैं, एक साल के बाद दूसरा साला, दूसरे साल के बाद तीसरा साला। अच्छा मैं इनसे सही सवाल पूछूंगा, ये तो मजाक की बात हो गई। लोग यहाँ पर आते हैं खरीदारी करते हैं? ऐसा है, जो शोरूम में मिलेगी जो चीज वो हाई फाई रेट में मिलेगी। यहाँ वहाँ पे 500-700-1,000 2,000-4,000 में बात होगी। यहाँ पे 250-300-400 से शुरू करते हैं, 150-200 में। तो ये कपड़े बनते कहाँ पर है? ऐसा है, देखो ये ड्रेस का है, इतना कट गया था ड्रेस का नीचे का भाग, इसको हमने ड्रेस का इतना लगा दिया, ये नीचे इस कट लगा दिया, इसको हमने गाउन बना दिया लॉन्ग ड्रेस। अगर यही शोरूम में लेने जाएंगे तो हम 2,000-2,500 मिलेगा, ये हम 200-300 दे देंगे। तो ये कह रहे हैं अगर दो फटे हुए कपड़े निकल आए तो ये हम दोनों को जोड़ देते हैं, जो एक डिज़ाइन बन जाता है और ऐसा लगता है कि वाकई बहुत अच्छा डिज़ाइन है जिसे आप पहन सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी इनोवेटिव है, बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। शुक्रिया, थैंक यू। दिल्ली को दुनिया का सबसे सरसब्ज और शादाब दारुल उलूम होने का दर्जा हासिल है। लूटियंस की दिल्ली में मुगलों की नकल करके रास्ते के दोनों तरफ दरख्त लगाने की रिवायत अपनाई गई, जो आज भी बदस्तूर जारी है। ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन एमिशन जैसी परेशानियों से तकरीबन सभी मुल्क जूझ रहे हैं। दिल्ली दुनिया को अपने चश्मे से एक नया फलसफा दिखाती नजर आती है।
मुख्तलिफ जंगलों को महफूज रखने के लिए 4 रिज बनाए गए हैं, जिसमें नॉर्थन रिज, सेंट्रल रिज, साउथ सेंट्रल रिज और असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि मैं दिल्ली के NCR के इलाके में हूं अभी भी, तो आप कहेंगे कि यह शख्स TV पर भी झूठ बोल रहा है। लेकिन सच यही है, दिल्ली के NCR में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर आपको बहुत सारी हरियाली दिख जाएगी और छोटी छोटी झीलें भी देखने को मिल जाएंगी। बल्कि नैरोबी के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पर ऐसी राजधानी है जहां पर बहुत सारी हरियाली है और बहुत सारी छोटी छोटी झीलें भी हैं। कुछ जगहें तो यहां पर ऐसी हैं, अगर आप उनसे गुजरें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं। कभी आपका शायरी करने का दिल करे या आपको अपनी महबूबा को कोई मोहब्बत भरा खत लिखने का दिल करे, तो मुझे लगता है इससे अच्छी जगह तो आपको मिलेगी नहीं। तो कभी भी आप यहाँ पर आइए और अपने ये दिल की भड़ास है, अगर किसी को गुस्सा भी आपको करना है या चिड़िया की आवाज़ सुननी है जो बहुत ही दिलकश है इस वक्त, बहुत ही अच्छी लग रही है, तो आप यहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सुकून से बैठ सकते हैं, कुछ लिखना हो वो लिख सकते हैं और अपनी यादों में खो सकते हैं। दिल्ली के मौसम का कोई भरोसा नहीं। थोड़ी देर पहले बहुत तेज धूप थी, लेकिन इस वक्त ऐसा आसार है जैसे बारिश होने वाली है, और बारिश हो जाए तो और मजा आ जाएगा। मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और मेट्रो ने दिल्ली की तस्वीर बदल दी है। दिल्ली की इस बढ़ती हुई तस्वीर ने दिल्ली का रकबा दूसरे सूबों तक बढ़ा दिया है, जो नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में आए इसी बदलाव की एक मिसाल है ख्वाबों का शहर, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी तफरी कर सकता है इंसान। दिस प्लेस इज कॉल्ड किंगडम ऑफ ड्रीम्स, यानी ख्वाबों का शहर। आपने कभी सोचा होगा कि एक लंगूर आपके पास आएगा, आपसे हाथ मिलाएगा, आपसे बातें करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल अभी मेरे साथ यही हुआ। आगे चल के देखें और क्या क्या है। डूज एंड डोंट्स, रिवर्स बंजी जंपिंग में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब लिखा हुआ है। वैसे मेरे साथ यहाँ के एक स्टाफ है जो अभी मुझे बताने वाली है कि मैं किस तरीके से उस पर बैठ सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ और अपना ख्याल किस तरह से रख सकता हूँ जब वो चल रहा होगा। रिवर्स बंजी जंपिंग गोल सी बॉल होती है जिसमें दो लोग एक साथ बैठते हैं, और फिर क्या होता है मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा जब मैं उस पर बैठूंगा।
हमारे साथ हैं दीपिका जो यहाँ की स्टाफ मेंबर हैं। ये हमें बताएंगी कि रिवर्स बंजी जंपिंग में असलियत में होता क्या है। बंजी होता है जब आप ग्रेविटी की तरफ विद अ सर्टेन स्पीड जाते हैं, गिरते हैं। रिवर्स बंजी इज यू गो अगेंस्ट ग्रेविटी विद अ सर्टेन स्पीड। तो ये जो चेयर है इट्स बीइंग हेल्ड बाय अ मैग्नेट। ये कॉर्ड्स को हम पूरा टॉप तक स्ट्रेच करते हैं, अगर आप ऊपर लेके जाएंगे पूरा टॉप टावर तक। उसके बाद एज सून एज इट टचेस द टॉप ऑफ द टावर हम ये मैग्नेट रिलीज कर देते हैं। फिर ये वर्क्स लाइक अ कैटापल्ट। तो ये कह रहे हैं कि ये इटली से आई हुई हैं और ये रोप जो है कम से कम 350 राइड जो होती हैं, जो चक्कर होते हैं इसके 350 मैक्सिमम चक्कर, उसके बाद ये इस रोप को हटा देते हैं और दूसरी लगाई जाती है। तो आखिरकार मैं इस राइड पर जा रहा हूँ। इस पे सर पीछे रखना पड़ता है और पैरों को दोनों को क्रॉस रखना पड़ता है इस तरह से। और हम तैयार हैं मून पे जाने के लिए। की स्पीड कम हो गई है, हम लोग धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं और ये बहुत मजेदार था। किंगडम ऑफ ड्रीम्स हिंदुस्तान का पहला लाइव एंटरटेनमेंट थिएटर है जो मौज मस्ती और तफरी के लिहाज से दिल वालों की पसंदीदा जगहों में से एक है। 24,000 मुरब्बे मीटर में फैला ये किंगडम ऑफ ड्रीम्स 200 करोड़ की लागत से बना है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा नौटंकी महल और दूसरा शोशा थिएटर है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हिंदुस्तान में हूँ, लेकिन ये बात सच है कि यहाँ पे इतनी छोटी सी जगह में आपको हिंदुस्तान के सारे सूबों के खाने मिल जाएंगे, सारे सूबों का सामान मिल जाएगा और ऐसे बहुत सारे फनकार मिल जाएंगे जो अपना हुनर यहाँ पर आकर दिखाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कहानियों की किताबों में होता है। KERALA केरला, पधारो राजस्थान। ओए साड़ी दिल्ली है जी, मक्के दी रोटी सरसों दा साग। ये है साडा पंजाब, वेस्ट बंगाल का चाइना टाउन। ऐसे आसमान के नीचे जो कभी ना बदले आसाम। यहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मुख्तलिफ हैं और काफ़ी सारे फनकार आते हैं जो अपना अपना हुनर दिखाते हैं। कुछ और हुनर कुछ और फनकारों से मिलेंगे हम बाद में। Yeah.
मुझे अभी अभी पता चला है कि एक शो है जिसका नाम है जंगूरा, उसमें हुसैन है और गौहर खान है जो टेलीविजन की बहुत मशहूर हस्तियां हैं, और मैं जा रहा हूं उसे देखने। जाके कह दे अपने उस्ताद से कि बंजारा होकर राजकुमार। किंगडम ऑफ ड्रीम्स का खास अट्रैक्शन बॉलीवुड म्यूजिकल शो जंगूरा है। हुसैन खुजरेवाला, गौहर खान और कश्मीरा ईरानी की अदाकारी से सजा ये शो बॉलीवुड की मशहूर साज नवाज तिकड़ी शंकर एहसान लॉय की मौसीकी एक खूबसूरत तोहफा है, जिसके डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले जावेद अख्तर साहब ने लिखे हैं। वो बदलेगी आग उठोरावर जो तुझे और तेरी जुल्म की दुनिया को चलाकर भस्म कर देगा। दिल्ली का मेरा सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन मैं आपसे अलविदा नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे आपसे मिलना है अगली किस्त में, एक नए रास्ते पर, एक नए शहर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।